देखो यार, अगर आप भी URL शॉर्टनर के थ्रू या एडस्टेरा के डायरेक्ट लिंक के थ्रू या फिर आप मॉन्टेज के डायरेक्ट लिंक के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो, इन तीनों प्लेटफॉर्म में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रैफिक का। अगर ट्रैफिक आपके पास नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा सिंपल और फ्री मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलने वाले हैं और लोग खुद आएंगे आपके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने या आपके URL शॉर्टनर के URL पे क्लिक करने। तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना बिना स्किप किए। थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है क्योंकि लैपटॉप खराब होने की वजह से मैं आपको मोबाइल पे बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखते रहना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको साइनअप प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले साइनअप प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ऊपर ईमेल डाल देना है, फिर उसके बाद पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड डाल देना है और नीचे आपको कुछ इस तरीके से इमेज दिखाई देगी, तो आपको इसको इग्नोर करना है। तो नीचे आपको यहाँ पर एक कैप्चा भरने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये कार्ट वाला जो आइकन है ये आपको दो बार दिखाया गया, स्टेयरिंग आपको तीन बार दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे कम आइकन दिखाई देंगे उसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना, उसके बाद वेरीफाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटर ईमेल, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल देना। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसी तरीके से नीचे यहाँ पर कैप्चा फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर बतख के बगल में जो एक आइकन है ये सबसे कम है, तो मैं इस पे ही क्लिक करूंगा क्योंकि वो एक बार दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ टास्क, फिर उसके बाद आके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का टिक हो गया। अब यहाँ पर शाइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो मेरे पास यहाँ पर 7 TRX हैं, आपके केस में यहाँ पर आपको सब कुछ 0-0 दिखाई देगा, आपका अकाउंट अभी फ्रेश अकाउंट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यहाँ पर 3 डॉट पे जाके यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पे कर दीजिए, नहीं तो बहुत आपको परेशान करेगा क्योंकि यहाँ पर एड बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेफर लिंक का सेक्शन मिल जाएगा नीचे, इसको आप लोग शेयर करोगे 10% की यहाँ पर आपको रिकरिंग इनकम होगी। यहाँ पर आप लोग दो तरीके के अर्निंग कर सकते हो, पहला तो आप लोग यहाँ पर फ्री में TRX अर्निंग कर सकते हो, दूसरा यहाँ पर आप लोग इन्हीं TRX कॉइन से अपने URL शॉर्टनर या अपने डायरेक्ट लिंक पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप लोग इसको कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस पहले ही दिखाई देंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है बाय एड्स, यहाँ पर नीचे देखोगे एडवर्टाइजमेंट में आपको सेक्शन दिखाई देगा डिपोजिट बाय एड्स और मैनेज एड, तो यहाँ पर आपको बाय एड्स पे क्लिक कर लेना है। बाय एड्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देना, उसके बाद URL डाल देना है। तो URL कौन सा डालोगे, यहाँ पर URL आपको डालना है अपने एडस्टेरा के डायरेक्ट लिंक या मॉन्टेज के डायरेक्ट लिंक, या फिर आप लोग अपने URL शॉर्टनर का URL यहाँ पर डाल सकते हो, डायरेक्ट ही डाल सकते हो, वहाँ पर आपको कोई भी बिट्टी वगैरह से शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मिनिमम 500 आपको डाल देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन, कितना देर के लिए आप लोग यहाँ पर यूजर को कितना देर आप लोग रोकना चाहते हो, तो यहाँ पर 15 सेकंड के लिए आपको 0.0048 TRX पर व्यू पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, या आप 30 पे कर सकते हो, 45 पे कर सकते हो, या 60 पे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कितना कॉइन यहाँ पर रखे हो। आपके पास यहाँ पर कॉइन होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पर अपने एड्स लगा पाओगे। फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मोर अर्निंग ऑप्शन, यहाँ पर फ्यूसेट PTC एड्स शॉर्टिंग एड, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो PTC एड में यहाँ पर देख सकते हैं 13 दिखाई दे रहा है और शॉर्टलिंग में यहाँ पर 77 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्टलिंग पे क्लिक कर लेता हूँ, शॉर्टलिंग पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पर आपको साइनअप भी करना पड़ सकता है, तो आप एक टेम्प मेल यूज कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं किसी में 10 विजिट करना है, किसी में 7 विजिट करना है, तो ये जितना भी विजिट आपको लिखा है इतना ही विजिट करना पड़ेगा तभी यहाँ पर ये जो सतोशी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये सतोशी तभी आपको मिलेंगे। तो मैं अभी आप लोगों के लिए कोई सिंपल सा कोई यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर 1-2, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 विजिट करना है तो गो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वेट करना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए भी बोल सकता है, तो थोड़ा वेट करना है आपको और वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्टेप में आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर देख सकते हैं गो डाउन, तो टाइमर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, गो डाउन टू कंटिन्यू, यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं वेट फॉर एड क्लिक, तो यहाँ पर आपको एड पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको किसी भी ऐड पे क्लिक कर लेना है, और मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं वेल डन, यू
आर रेडी टू कंटिन्यू। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं टू स्टेप यहाँ पर चालू हो गया। तो फिर गो डाउन टू कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर फिर से एक ऐड पे क्लिक करना है और आपको फिर से बैक आ जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेटिंग फॉर ऐड क्लिक, यहाँ पर देख सकते हैं वेल डन यू आर रेडी टू कंटिन्यू पे यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप के लिए। तो थर्ड स्टेप के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पर वेटिंग फॉर ऐड क्लिक का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मैं किसी भी ऐड पर लॉन्ग प्रेस करूँगा और मैं दूसरे ब्राउजर में ओपन इन वेरा ब्राउजर। तो आपको वेरा भी डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिले हैं। इस ब्राउजर का यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग इसको जितना भी यूज़ करोगे यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट से आप लोग अमेजोन के फ्री गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हो। तो ओपन वेरा ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ और ये यहाँ पर ओपन रहेगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मिनिमाइज करके मैं इस पेज पे आ गया और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल गया, वेल डन यू आर रेडी टू कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारा फोर्थ स्टेप आ गया, तो फोर्थ स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। वेटिंग फॉर ऐड क्लिक, यहाँ पर थोड़ा टाइमर चलेगा, टाइमर खत्म होने के बाद ही आपको ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं फिर से ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ और ओपन इन वेरा ब्राउजर पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से स्लाइड करके फिर से अपने पेज पे आ गया, कंटिन्यू कर लेता हूँ। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिर से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं गेटिंग लिंक, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं गुड जॉब, आपके देख सकते हैं कुछ TRX सतोशी हैज़ बीन एडिट योर बैलेंस, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देख सकते हैं मिल जाएगा। अब यहाँ पर ओके कर लेना है। अब इन्हीं पॉइंट से आपको ऐड लगाना है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर बाय एड्स पर जाना है। बाय एड्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने कैंपेन का नेम डाल देना है, डिस्क्रिप्शन डाल देना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देना है, यूआरएल डाल देना है। आप यूआरएल शॉर्टन का यूआरएल डाल सकते हो, एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक डाल सकते हो, मोंटेज का डायरेक्ट लिंक यूज़ कर सकते हो और भी अल्टरनेटिव एड नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना जो भी आपके पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर आपके पॉइंट लगेंगे तभी आप लोग यहाँ पर कर पाओगे। अब यहाँ पर विड्रॉल का सेक्शन मिल जाएगा, तो विड्रॉल वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जो क्वाइन यहाँ पर अर्न कर रहे हो इसको विड्रॉल भी ले सकते हो अपने फ्यूचर पे अकाउंट में। अब यहाँ पर आप लोग ट्रोन ले सकते हो, बिटकॉइन ले सकते हो, लाइट कॉइन में विड्रॉल ले सकते हो, USDT में ले सकते हो। अभी यहाँ पर मेरे पास 7 TRX मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं इसको विड्रॉल भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं विड्रॉल नहीं लूँगा अभी। मैं इसको कॉइन को थोड़ा और अर्न करूँगा, यहाँ से मैं अपने URL शॉर्टनर से अर्निंग करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग अपने एडस्टेरा या मोंटेज के डायरेक्ट लिंक को यहाँ पर प्रमोट करो, ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू URL शॉर्टनर। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है PTC ऐड, यहाँ पर एड्स देखकर भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने URL शॉर्टनर क्लिक करके अर्निंग किया उसी तरीके से अर्निंग करना है। उसके बाद आपको अपना एड्स लगा देना है, बाय एड्स में जाके आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा क्लिक्स पाओगे और क्लिक्स अगर आपके अच्छे आने लगे तो आपको 100% यहाँ पर अर्निंग होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये 15 सेकंड वेट करवाता है जिसके वजह से अच्छा खासा पोटेंशियल मिल जाता है और अच्छे खासे CPC मिल जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह के अनलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।